हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.4, पेज नंबर 99। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, वी हैव टू प्रूव दैट टैन थीटा इज आइदर 1 और 1/2। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमें दोनों आंसर चाहिए, 1 भी चाहिए और 1/2 भी चाहिए टैन थीटा की वैल्यू। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को टैन की वैल्यू चाहिए। सबसे एंड में हमें 1 को खोलना पड़ेगा। 1 होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां साथ में लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हमें 3 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। 3ab is 2ab plus ab। इन सबको आप इस साइड ले आइए, तो ये होगा cos को थीटा प्लस साइंस को थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस साइंस को थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। दोस्तों इन तीनों से बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से हम कॉमन ले रहे हैं साइन थीटा, अंदर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब पूरे से कॉमन क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। ये मैं आपको समझाता हूं, यहां पर ये चाहे आप चीज लिखना मत लेकिन समझ लीजिए, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट में बी माइनस ए, कॉमन लेना है तो कॉमन लेना ना ए माइनस बी, तो हम ले रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां बचेगा साइन थीटा, और क्योंकि ये ए माइनस बी कॉमन दे रहे हो यहां बी माइनस ए, यहां आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस वाले ब्रैकेट में हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों एक रूल है, जब दो प्रोडक्ट का या दो लोगों का प्रोडक्ट जब जीरो हो तो क्या होता है कि उनमें से कोई एक जीरो होता है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज जीरो और कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा इज जीरो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब tan थीटा इज 1, हेंस प्रूव एक आंसर आ गया। और इसको देख लेते हैं, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, cos नीचे ले आएंगे sin अपॉन cos, तो 1/2 इज इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा इज 1/2, दूसरा आंसर आ गया। थोड़ा सा ना आपको घबराना नहीं है, बात को समझना है थोड़ा सा, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इज अ परफेक्ट क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।